के 10 मार्च को बहन जी आ रही हैं, 13 के 13 विधानसभा की सीट हम जीत रहे हैं इलाहाबाद से। आज बहन जी की चुनावी जनसभा है, क्या उम्मीदें हैं? हमसे सर्व समाज बहन जी के साथ है। बहन जी का जो नीति रही है 2007 से 12 में जो कार्य किए हैं बहन जी ने, चाहे बहुजन समाज के लिए जो भी कार्य किए हैं सर्व समाज के लिए, उसको लेकर जन जन तक हम लोग जा रहे हैं। और बहन जी सर्व समाज वाला फॉर्मूला लगता सफल होगा? हाँ, 100% सफल होने जा रहा है। 10 मार्च को बहन जी आ रही हैं, 10 मार्च को पूर्ण बहुमत के साथ बहन जी आ रही हैं 10 मार्च को। ये तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमने विजय रथ निकाला। अखिलेश यादव तो मीडिया के लोग जो है हाईलाइट कर रहे हैं। हर एक विधानसभा को उठाकर देख लीजिए आप लोग, 20,000 से लेके जो है 70,000 तक जो है दलित कैडर रोड है। बिल्कुल, कहीं कहीं 1,00,000 भी है, 1,00,000 भी कहीं कहीं है। तो जिसके पास कैडर रोड है उसको जो है आप मीडिया लोग जो है बाहर बता रहे हैं। पर कैडर बोर्ड से सरकार तो नहीं बनने वाली ना? नहीं, हम जो है सर्व समाज के साथ जा रहे हैं, हमको पूरा सम्मान मिल रहा है, सर्व समाज हमारे साथ है। पूर्वांचल में क्या रहेगा? पूर्वांचल में अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा। अगर इलाहाबाद मंडल में देखा जाए 28 सीट है लगभग, जितना मुझे जानकारी है 28 इलाहाबाद में है, बाहर है, ठीक है ना? इलाहाबाद जिले में मंडल में अगर देखा जाए तो 28 में से कितने जीत पाए? 28 में लगभग हम 20 सीट जीत रहे हैं। 20 सीट, लेकिन बीजेपी का कारण है सर? बीजेपी जो है बाहर है, लड़ाई से बाहर है बीजेपी। इस बार बीजेपी लड़ाई से बाहर है। मतलब योगी जी ने इतना काम किया है? नहीं सर, जैसा कि आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो 2007 और से 12 तक कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा था। शिक्षा के क्षेत्र में था, रोजगार काफ़ी लोगों को मिला सर। उसके बाद फिर बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को लेकर चल रही हैं, जिससे निश्चित रूप से बहन जी की सरकार बनने वाली है। और इस बार सभी हमारे साथियों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा और काफ़ी जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको सुरक्षा मिलेगी। निश्चित रूप से बहन जी की सरकार बनने वाली है। रोजगार तो योगी जी दे रहे हैं, तमाम दिल्ली में पोस्टर छपवा दिए उन्होंने। देखिए, और अभी भी कहा कि हमने 4,00,000 नौकरियां दी। देखिए सर, ग्राउंड पे नहीं है ये, सिर्फ प्रचार किया गया है और हम सभी तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। वैकेंसी आई थी 2017 में, बोले थे कि लेखपाल वैकेंसी आएगी, उसके बाद अभी तक नहीं आई। वैकेंसी चाहिए, मंदिर चाहिए आपको? नहीं सर, हमें रोजगार, शिक्षा, रोजगार चाहिए सर। अच्छा। और सुरक्षा चाहिए सर। हमें पहले किसको दिया था वोट? जी सर, बहुजन समाज पार्टी को दिया था। जी सर, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था 2007 से 12 तक। उसके लोग कह रहे कि बीएसपी को वोट देंगे तो खराब हो जाएगा हमारा। बिल्कुल नहीं सर, इस बार देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, चढ़ बढ़ के देना चाहिए सर। क्यों देना चाहिए? क्योंकि शिक्षा, रोजगार से लेकर जो भी सुरक्षा, सभी प्रकार के जो भी आप देख सकते हैं सर, 7 से 12 तक कंपेयर कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका था, बहुत अच्छा। अगर शिक्षा, रोजगार योगी जी दे रहे हैं, ये जो है इलाहाबाद में जहाँ पे आप खड़े हैं प्रयागराज में, यहाँ जो है प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा एनटीपीसी में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है युवाओं के ऊपर, टेट का पेपर जिस तरीके से आउट हुआ है, इसको लेकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान है। सबको जेल में डाल दो। हाँ, जेल में डाल दिया है। जो तानाशाही रवैया रहा है योगी सरकार का, उसके खिलाफ युवा जो है बिगुल फूकने वाला है और 10 मार्च को बहन जी को सत्ता में लाने वाला है। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं हमने जीत रहे हैं इसमें। अखिलेश यादव ने कुछ किया ही नहीं है। अखिलेश बहन जी के शासन काल में जो रिजर्वेशन था, अखिलेश यादव ने उसको फाड़ने का काम किया था। ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने दिया, तो उसको फाड़ने का जो प्रमोशन हुआ था उसको डिमोशन करने का अखिलेश यादव ने काम किया था। बहन जी ने जो महापुरुषों का नाम बनाया था उसको बदलने का काम किया था। आपके बगल में ही भदोही जिला है, बहन जी ने उसको रविदास नगर बनाया था। अखिलेश यादव जैसे ही आए उसको बदल दिया, फिर से वही बना दिया। तो ये जो दलित सपा में जा रहे हैं, तमाम नेता जा रहे हैं, इन्हें नहीं पता इस बात कोई भी कि दलितों का नुकसान क्या वोट है? हमारा नेता जाता है लेकिन हमारा वोटर नहीं जाता कभी भी। वोटर बहन जी के साथ अभी सर, ये सीकर कहीं नहीं बाकी, समझ लीजिए आप। बिल्कुल सर, सर आपने तो पिछली बार बीजेपी को वोट दिया। नहीं सर, नो सर, 2022 में हमारी बहन जी आ रही है, कोई नहीं रोक सकता सर। सर हम लोग पक्का हाथी को वोट दें। मेरी बहन जी यूपी में 2022 में सरकार बनने जा रही, बहन जी सीएम बनेंगी। और योगी कुछ नहीं, कोई सर नहीं, कोई मतलब नहीं है। नंबर वन पे हमारी बहन जी हैं, वो सीएम बनने जा रही, उनको आने से कोई नहीं रोक। दूसरे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे ना? नो नो सर, ऐसा नहीं है सर, जनता वोट मिल रहा है सर। हाँ, सर्जन हिताय, सर्जन सुखाय, सभी का जो है मतलब मिल रहा है। हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे सर। जी अखिलेश यादव ने विजय रथ निकाल दिया सर। देखिए सर,
हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनता है सर, वो जानती है कि 2007 से 7 से 12 तक तुलना करेगी, सभी सरकारों को तुलना करेगी तो बेहतर बहन जी ही नजर आएंगी। उनका कार्यकाल, उनका शासन करने का व्यवस्था, उनकी कार्य प्रणाली बहुत ही अच्छी है सर। और सबसे अच्छा ये है कि जो कहती है वो करके दिखाती है सर। योगी जी की अच्छी नहीं है क्या? देखिए सर, अच्छी होती तो उसके बाद जनता खुद ही प्रसन्न नहीं होती सर। आप देख ही रहे हैं सर, कोरोना से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब बंद है, कहाँ हो रहा है सर, काफ़ी परेशान है बच्चे सर। निश्चित रूप से पूरा सर, इलाहाबाद में क्या समस्या है मूलभूत, जो दिक्कत सबसे ज़्यादा है? मूलभूत समस्या सर देखिए, आप आपको नज़र आएगा महंगाई बहुत जोरों पर है, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था सर अच्छी नहीं है, क्योंकि तो राष्ट्र हित में है महंगाई, सभी कोचिंग सेंटर बंद हैं। उसके बाद सर हम सभी बच्चे, हम सब तैयारी कर रहे हैं सर, स्टूडेंट हैं। बहन जी को इसलिए चाहते हैं आना कि बहन जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर हम लोगों का जो जीवन है एक अच्छे मतलब मार्ग पर जाएगा। और बहन जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग लाएंगे और रोजगार मिलेगा सर। हम सभी आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत चरम अवस्था पे है। बेरोजगारी के साथ साथ हम देख रहे हैं जनता आज त्राही त्राही कर रही है। जहाँ पे शिक्षा का माहौल दिन प्रतिदिन लोग जागरूक होते जा रहे हैं। हमारे संविधान का क्या महत्व है, जनता का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, सब लोग अपना समझते जा रहे हैं। नाउ दिन प्रतिदिन लोग मंदिर बनवा रही है सरकार ना आपके लिए, तो मंदिर से विकास तो विश्वास नहीं होगा, मंदिर से विकास नहीं होगा, शिक्षा से विकास होगा। शिक्षा हमें मिल रहा है, मंदिर से विकास नहीं होता, मंदिर से विकास नहीं होता है, देश का विकास मंदिर से नहीं होता है, देता होता सर्व सर्वसम। देखिए आज हमारा देश है, चाहे जापान हो छोटा सा देश है लेकिन फिर भी वो आगे है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही शिक्षा बढ़ रही है। जब बहन जी की जब सरकार आई थी, मुद्दे क्या हैं? बेसिक मुद्दे हैं शिक्षा और बेरोजगारी और महंगाई। अगर हमारी महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा अगर तीनों बहुत अच्छे स्तर पर, सड़कें देखिए, अगर किसी भी सरकार आती है, चाहे हमारी पहले मायावती ने शुरुआत किया था तो शिक्षा का स्तर सुधरा, दबंग स्तर के जो लोग थे वो बिल में घुस गए मायावती के समय से। योगी जी की सरकार आई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी किया सबकी सिस्टम एक टाइम पे टाइम परिवर्तन होता जा रहा है, लोग परिवर्तित होते जा रहे हैं। विकास होता जा रहा है, विकास नहीं, मंदिर से विकास नहीं होता, मंदिर से केवल अंधभक्त पैदा होते हैं जो कि धर्म पर वो मतलब बिना प्रश्न किए वो धर्म पर विश्वास करते हैं, केवल ना प्रश्न उठाते हैं ना तर्क करते हैं, केवल उसी को अंध रूप में मान लेते हैं। और हमें शिक्षा जो है वो तर्क देती है, विज्ञान देती है, वैज्ञानिकता देती है, क्योंकि हमें शिक्षा पर से ही चलकर हमें सब विकास मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, हर प्रकार से सुविधा हमें विज्ञान देगा और शिक्षा से होगा वो धर्म से नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ कटोरा रहेगा, सब कुछ होगा, कुछ होने वाला नहीं है, समझ लीजिए, सिर्फ वहाँ एक वर्ग का वो होगा। सरकार नहीं बढ़ावा दे रही शिक्षा, नहीं शिक्षा को बढ़ावा कैसे दे रही? आप देखिए ना, आप देख लीजिए, जैसे पिछले समय कॉलेज है, सब कुछ बंद हो गया था, कॉलेज बंद हो गया, कोचिंग बंद हो गई, कैसे हो सकता है? ये सब चीज़ें समस्याएं ही तो है ना। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मंदिर वाला सेट, देखिए किसी आस्था का है उस पर हम ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि शिक्षा से न तो मतलब मंदिर से न तो डीएम बनेगा, न तो पुलिस बनेगा, न तो कोई चपरासी की नौकरी तक नहीं पाएगा, एक वर्ग ही वहाँ। उम्मीद है बहन जी बन पाएंगे, कह तो नहीं सकते लेकिन प्रयास है कि बनना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी लहर भी है मीडिया का, देखा जा रहा है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कुछ तो मीडिया दिखा ही नहीं रही है, लेकिन जितने भी बहुजन समाज के मतलब पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पे इस बार बहन जी के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से। और एक चीज़ और बता दें, हम कुराँव विधानसभा से हैं, जरूर जरूर इस बार वहाँ के माननीय राजवली जैसल जी जो पूर्व विधायक थे वो जरूर जीतेंगे इस बार वहाँ।